का एक मसला, मुझे अगर कोई बता देना कम पैसे, तो वहाँ पे मुझे उसने बताया कि जी 20 क्वाचर्स, ठीक है। डू मैंने गो बस स्टैंड, शालम बस स्टैंड, हियर आई कम जोहान्सबर्ग। और मेरा जो ट्रैवल प्लान है ना, इसका ना कुछ सर है और ना ही कोई पाँव है, ठीक है, ना ही मेरी कोई डेस्टिनेशन है। मैं सिर्फ सफ़र को इन्जॉय कर रहा हूँ। सफ़र नहीं होता, जो प्रॉपर सफ़र होता है, उर्दू वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। सॉरी, मेरे किस्मत में लिखी हुई है, पता नहीं क्या बात है, मेरा दिमाग से ठहराया हुआ है, कसम खुदा की। बस यहाँ पे मुझे बाटा की एक शॉप मिली है, ये लें, इस शॉप में जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कीमतें हैं जूतों की। मेरे जूते मुझे बड़े तंग कर रहे हैं, मैंने एक रस्ते में एक सेकेंड हैंड जूता लेने की कोशिश की, लेकिन भाई वो बड़े महंगे थे। ये जी बाटा है, यहाँ पे लिविंगस्टोन जैम्बिया अफ्रीका के अंदर। ये देखें इनकी हवाई चप्पलें लगी हुई यहाँ पे, $1 की है ये हवाई चप्पल। टाइम है जी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं ये अपने ये वुडलैंड्स लॉज से इस वक्त चेकआउट कर रहा हूँ। 2 रातें मैंने यहाँ पे स्टे किया है, बहुत बड़ा चेंज ऑफ प्लान हुआ, मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ। हाँ जी, प्लान फिर मेरा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मेरे प्लान में तब्दीली आ गई है ना। मैंने टिकट बुक की थी लुसाका से दारुसलाम सैटरडे की, 48 घंटे के बाद उन्होंने टिकट कह दी, इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। अब उन्होंने मुझे कहा कि टिकट इशू नहीं हो सकती। मैंने दोबारा वो भी वाली टिकट चेक की है तो वो 200 पाउंड से ऊपर चली गई है, पहले 170 पाउंड थी। तो फिर मैंने दोबारा से चेक किया और इर्द गिर्द के एयरपोर्ट्स देखे, करीब से कहीं से भी नहीं मुझे मिली। बोट्सवाना से मेरे ख्याल में कोई फ्लाइट्स है ही नहीं, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट उठा ही नहीं रहा ये कोई स्काई स्कैनर। फिर मैंने जोहान्सबर्ग से जो है ना, अब मैंने दारुसलाम के लिए की है ट्रांजिट है केनिया के अंदर, और जोहान्सबर्ग यहाँ से है जी टोटल 1200 मील। तो मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे जी 24 घंटे की बस है और $25 जो है ना रेंट है। 11 बजे बस है, हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन ही बसेस चलती हैं, वेंसडे को और सैटरडे को। तो अभी मैं जल्दी से ना यहाँ से, सुबह के 9 बजने वाले हैं या बज गए हैं, तो मैं अभी यहाँ से जाके टैक्सी लेता हूँ। पहले कैश से थोड़ा सा कैश निकलवाता हूँ, उसके बाद जो है ना उस बस में बैठते हैं 24 घंटे के लिए। जोहान्सबर्ग से फ़्लाइट बुक तो मैंने कर ली हुई है, देखते हैं अगर वहाँ पे, मेरे पास 2 दिन है और 24 घंटे का रास्ता है। ठीक है जी, आज ये मेरी ख्वारी को देखें, और भी मुझे मेरी कितनी ख्वारी मेरे रास्ते में है। चीज़ आपको दिखाने लगा था, I've seen loads of these, are these banks, small banks, right? Yes. सीधे छोटे से कैबिन मैंने जगह जगह देखे हैं, आपने वो भी देख रहे हैं, कैबिन नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे कैबिन नज़र आ रहे हैं, ये रेड वाले जो हैं, ये छोटे छोटे बैंक्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लोगों को अगर कैश की ज़रूरत है, इंस्टेंट कैश की ज़रूरत है, ये मोबाइल कैश का कुछ सिलसिला उन्होंने चलाया हुआ यहाँ पे अफ्रीका के अंदर। और जहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस के अंदर भी मैंने ये छोटी छोटी मशीनें देखी हैं ना यहाँ पे, ये मोबाइल बैंक्स हैं बेसिकली। ये देखें वो छोटी छोटी, मतलब कम से कम 100 मीटर के फासले के ऊपर ना, वहाँ पे गली की नुक्कड़ के ऊपर, वहाँ पे भी छोटा सा कैबिन नज़र आ रहा है मुझे। ये देखें जो है ना, मतलब एक किस्म के 200 मीटर के रेडियस के अंदर कम से कम ये 20 मशीनें इस तरह की मैंने देखी हैं। मशीनें नहीं कह लें आप, ये इसके अंदर एक आदमी बैठाया हुआ है, और आदमी जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, कैश डिस्पेंस कर रहा है, ये मोबाइल से कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सिलसिला जी यहाँ पे। और जो है यहाँ से कुछ नट्स और वो ले रहा हूँ, क्या उसे कहते हैं, आलमंड्स, एवरीवन आलमंड्स, नो आलमंड्स, पीनट्स, व्हाट आर दिस, एनी आलमंड्स। एक मसला, मुझे अगर कोई बता देना कम पैसे, तो वहाँ पे मुझे उसने बताया कि जी 20 क्वाचर्स, ठीक है। डू मैंने गो बस स्टैंड, शालम बस स्टैंड, हाँ, आई टैक्सी, हाउ मच, शालम बस स्टेशन,
Yeah, how much can you taxi? 20 kwachas. 30. Yeah? I pay 30. Okay, I'll look around. Okay, let's go then. Come on. मेरा दिमाग से ठहराया हुआ है कसम खुदा की। बस मैं जिस लॉज से निकला हूँ वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए टैक्सी ऑर्डर की, उसने मांगे जी 100 क्वाचास। मैंने कहा मैं नहीं देता। उसके साथ निगोशिएट करके 50 क्वाचा पे ले आया, लेकिन मुझे वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लड़का था उसने बताया कि यहाँ से 20 क्वाचा लगेंगे। मैं 50 क्वाचा पे भी नहीं आया। अब कम अज़ कम मैं 2 किलोमीटर चल के टाउन में आया हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ 10 टैक्सियों से पूछा है और अभी भी मैं 2 किलोमीटर चलने के बाद भी 50 क्वाचा दे के बस स्टैंड पर जा रहा हूँ। ख्वारी मेरे किस्मत में लिखी हुई है, पता नहीं क्या बात है। So I've met some lovely ladies here, and they are going to get me ticket for Johannesburg. What's your name? Sandra. 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 And your name, lady? I'm Christabel. Christabel. Yes. So here I come, Johannesburg. बस जो है किसी वक्त भी आ सकती है। और मेरा जो ट्रैवल प्लान है ना, इसका ना कुछ सर है और ना ही कोई पाँव है, ठीक है, ना ही मेरी कोई डेस्टिनेशन है। मैं सिर्फ सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ। सफ़र नहीं होता जो प्रॉपर सफ़र होता है, उर्दू वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी ख्वारी को एंजॉय कर रहा हूँ। भैनचोद 2 दिन पहले मैंने टिकट बुक की, मैं उसकी लगाऊंगा आपको टिकट की जो कॉन्फर्मेशन है। उन्होंने इशूइंग पे रखा हुआ मुझे 2 दिन से, ठीक है जी। बाद में आगे जी 2 दिन के बाद कहते हैं जी टिकट कैन नॉट बी इशूड। मैंने दोबारा चेक किया लुसाका से तारुसलाम, वो टिकट 200 पाउंड से ऊपर चली गई। फिर मैंने जल्दी से चेक किया कल रात को, मुझे 173 पाउंड्स के अंदर है ना जोहान्सबर्ग से वाया केनिया साउथ अफ्रीकन एयरलाइन के ज़रिए जो है ना मैं दारुसलाम पहुँचूँगा 8 तारीख को, संडे को। तो फिर वहाँ से आपको जंजीबार, प्रिजन आइलैंड, स्टोन आइलैंड और किलोमंजारो जो है, जो अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, उसकी थोड़ी सी सैर करवाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है जी। आ जाए अरे कुछ पानी की बोतल और ये कुछ पीनट्स और कुछ बिस्किट्स लिए हैं मैंने अपने रास्ते के लिए आगे ना। बड़ा स्ट्राइक किया ना, ये देखें ये सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरफ है और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 किस तरफ है। हेलो बड़ी, हेलो, और ये 10 इस तरफ है। ये देखें ये छोटे छोटे बैंक्स बने हुए हैं सारे, मोबाइल बैंक्स देख रहे हैं ये, और ज़्यादा जो प्रोमिनेंट और सड़क की दूसरी तरफ भी उतरे और वहाँ पे देखें कितने सारे नज़र आ रहे हैं वो देखें। कम अज़ कम यहाँ पे भी 100 मीटर के रेडियस के अंदर है ना, ये 30 के करीब इस तरह के क्योसिक हैं या क्योस्क है जो भी आप इनको कहते हो, या ढाबा कहने चलें, ये ढाबा स्टाइल बैंक हैं बेसिकली। अज़ान की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, लेकिन सुबह सुबह तो अज़ान नहीं हो सकती। लिविंग स्टोन जाम्बिया का बस स्टेशन है, इसकी क्लीनलीनेस सफाई देखें यार इसकी। छोटा सा ये टाउन है बिल्कुल, लेकिन ये टूरिस्ट टाउन है ना। ये देखें ये जो है पैसेंजर लाउंज बना हुआ है। ए हाउ यू डूइंग, यू ऑल राइट? पार्डन, या आई हैव बीन देयर यस्टरडे, आई एम गोइंग टू गो टू जोहान्सबर्ग टुडे। या आई वाज देयर यस्टरडे, या नाइस टू मीट यू, यस। ये मुझे ट्रेन के अंदर ये हमारे साथ थी ये वाली औरत, बहन जी इनको पता तो लगता नहीं है, सारे एक ही तरह की नजर आते हैं मुझे तो। ये कल इसने भाई जो 2 दिन मेरे साथ सफर किया है एक ही ट्रेन के अंदर, तो 10 दफा मिली होगी ट्रेन के अंदर, और अभी अचानक ही नजर आ गई है। इसने मुझे पहचान लिया, मैंने इसे नहीं पहचाना। कितना बड़ा है यार ये बस स्टैंड है और बिल्कुल साफ सुथरा है अंदर भी और बाहर भी। इसने मुझे बड़ा मुतासर किया है ना, कमाल। ऐसे लगता है जैसे एयरपोर्ट हो, यकीन करें वेस्ट के जो सर्टन एयरपोर्ट है ना वो भी शायद इससे गंदे हो, इस बस स्टेशन से। अफ्रीका इतना डर्टी और इतना गंदा नहीं है, स्पेशली जाम्बिया। जाम्बिया बड़ा ही क्लीन मैंने देखा, यहाँ पे मैंने कोई लिटर नहीं देखी। गुर्बत तो खैर थोड़ी बहुत होगी यहाँ पे दूसरे अफ्रीकन मुल्कों की नस्बत, लेकिन ये बड़ा ही ना
सुलझा हुआ टाउन है, हर बंदा यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, बच्चे से लेके बड़ा तक। यार ये एक चीज देखी जिसने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का जो टॉयलेट है और इसकी क्लीनिंगनेस चेक करें, ये देखें, ये देखें कितना जबरदस्त इसको मेंटेन किया हुआ, और यहाँ से खुशबू आ रही है, और ये टॉयलेट है इनका, और ये अफ्रीका का, साउथ ऑफ अफ्रीका का गरीब तरीन मुल्क है, देखें कितना जबरदस्त इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ। गुड जॉब मेट, यू हैव डन अ गुड जॉब, थैंक यू सर। ये जी इंफॉर्मेशन डेस्क है इन लोगों का यहाँ पे, ठीक है, और एक एक भी टॉयलेट नहीं है, कम से कम यहाँ पे दोनों तरफ चार चार टॉयलेट हैं, एक इधर है, एक इस कोने में, एक इस कोने में, और एक उस कोने में, और इस कोने में, चार टॉयलेट हैं यहाँ पे, और स्टाफ के इन्होंने अलग से टॉयलेट बनाए हुए हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त पर्पज़ बिल्ट ये बिल्डिंग बनाई है, और मतलब बड़ा ही इसने मुझे ने इम्प्रेस किया। वेस्ट के अंदर इस तरह के हम लोग सिलसिले भी नहीं देखते, वहाँ पर भी वेस्ट के अंदर इतनी लिटर और इतना गंद और ऐसे ऐसे, मैंने शायद आपको मेरी एक वीडियो के अंदर पीछे आप देखें, मैंने आपको जिस विलेज जिस टाउन के अंदर मैं रहता हूँ ना, वहाँ का बस स्टैंड दिखाया हुआ है, और वहाँ पर देखें कितना गंद और कितना मैस है, यहाँ पर एक मखसूस किस्म का पीस और सरेनिटी है ना। ये मेरी बस आ गई है जी, ये वाली ये मेरी बस है, मैं कोशिश करूँगा कि फ्रंट वाली सीट लूँ ताकि बाहर के भी नज़ारे आपको दिखाता रहूँ। मैं बस में अपनी बैठ गया हूँ, बस किसी वक्त भी चलने वाली है। मेरे ध्यान में एक बात है, ये लोग अफ्रीका आते हैं, लोगों की पहले कोशिश पता क्या होती है, किसी तरीके से बस जंगलों में निकले और जंगली जानवरों को देखें। यार यहाँ पे इतने ज़्यादा इंसान रहते हैं, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, कुछ इंसानों से भी मिल लें। मेरी कोशिश यही है अपने व्लॉग्स के अंदर ना, कि मैं जितने ज़्यादा मुमकिन हो सके उतने ज़्यादा लोगों से मिलूँ, लोगों की स्टोरीज आपके सामने लेके आऊँ ना, बड़े यार दिलचस्प और बड़े ना खुश लोग हैं ये, पता नहीं क्या हो जाए, इनकी खुशी की वजह शायद मौसम हो, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन हर बंदा जो ना जिंदा दिल है, हर बंदा खुशी से मिलता है, चाहे वो कितने गरीब क्यों ना हो, बड़ी बात है यार अफ्रीका की। यार ये शालोम के नाम की जो बस कंपनी जो है ना, अफ्रीका के अंदर बड़ी ही रिलायबल और बड़ी मशहूर है अमंग जो बैकपैकर्स कम्युनिटी है उनके अंदर, क्योंकि हम लोग हमारे जैसे जो बैकपैकर्स हैं वो बसों के जरिए ट्रैवल करते हैं। अच्छा अभी इन्होंने ना $25 इन्होंने हमें चार्ज किए हैं, मुझे 1200 मील लंबी राइड है, और ये खाना दिया है, खाने के अंदर दिखाता हूँ क्या है आपको, दो पीसेस चिकन है इसके अंदर और थोड़े से चिप्स है। चले हुए अभी आधा घंटा हुआ है और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं जी बोट्सवाना के बॉर्डर को, और जब मैंने ये देखे बाहर की लैंडस्केप चेक करें, सारे जो दरख्तों के ऊपर वाले हिस्से है ना वो टुंड मुंड हुए पड़े हैं, और जगह जगह ना बड़े बड़े हाथी के गोबरों के पौध नजर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े यकीन करें, और ये 90% मुझे यकीन है कि हाथियों के हो सकते, इतने बड़े बड़े मतलब उनके लेंड समझ ले पड़े हुए हैं, और गाय भैंस के तो हो नहीं सकते। अच्छा मैंने एक और चीज नोट की, यहाँ के दरख्तों के बड़े बड़े जो तने हैं ना उन्होंने म्यूटिलेट किए हुए हैं, बड़े बड़े तने दरख्त से बिल्कुल झुकाए हुए हैं खा खा के ना, ये देखें। अच्छा साथ साथ है ना यहाँ पे ट्रेन की लाइन भी है, ब्रिटेन इनके लिए ये अच्छा काम कर गया, मतलब जो भी इनकी एक्स कॉलोनी है ना वहाँ पे बड़ा अच्छा रेल का निज़ाम, बड़ा प्यारा है रेल का ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है कॉपर, यहाँ पे तो चाइना यहाँ से कॉपर निकाल रहा है मायने से, और चाइना लेके जा रहा है वहाँ पे जाके मुख्तलिफ किस्म की वो जो चिपे बना रहा है, तो यहाँ के जो यहाँ पे जो है ना कॉपर बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में होता है यहाँ पे एज मेन रॉक। अच्छा ये बस रुकी है जी काजुंगुला बॉर्डर के ऊपर, ये बॉर्डर है जैम्बिया और बोट्सवाना के दरमियान में, यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ेगा। अच्छा अभी बस रुकी है तो कम से कम 7 या 8 जो है ना ये आए हुए हैं, अरे साउथ अफ्रीकन रंस एंड हाउ मच फॉर क्वाचेस, 100 क्वाचेस, 150 क्वाचेस, सो इफ आई गिव यू 100 क्वाचेस यू गिव मी 83, सो गिव मी 83 रंस साउथ अफ्रीकन, so 86 86 rounds 91, so what's the rate for one round is how much, 15 so I'll give you 15 quarters yes to get one round, yeah. Right, okay, is that the standard rate everybody's offering this rate? Yes, all of us same, but I've checked online it's much more here, just using black market is it? Okay, thank you. This is the rest point of Quacha there, you can change with the rest, that's why they are changing. Sure, thank you so much. Thank you. अच्छा ये ब्लैक मनी के अंदर जो लोग हैं ना यहाँ पे करेंसी चेंज कर रहे थे ना, अभी एक
रन्स अगर लेना है तो उसके लिए आपको 1.15 जो है ना वो अच्छा देना पड़ेगा. लेकिन आगे वाला जो कंट्री है वो बोट्सवाना है, वहाँ पे पोला यूज पोला. मैंने बोट्सवाना जाना है, बोट्सवाना से मैंने आगे जाना है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे रन्स यूज होते हैं करेंसी. ये जी बॉर्डर का जो इमिग्रेशन का जो बफर है ना, ये मेरे ख्याल में ये हुआ है. अच्छा यार ये ब्रिज के बारे में मुझे पता नहीं है, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस ब्रिज? कजुंगुरा. इस ब्रिज का नाम है जी कजुंगुरा ब्रिज. ये बड़ा खूबसूरत ब्रिज समझा जाता है और यहाँ पे ना ये किसी की टूरिस्ट अट्रैक्शन है. ये बड़ा मॉडर्न सा ब्रिज बनाया है, बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज है. ये देखें, मुझे शोर नहीं है कि कैमरा इसके साथ जस्टिफाई. जम्बेजी रिवर है ये भी अफ्रीका का वन ऑफ द. जो पीछे वाला जो रिवर, जो पहले वाला जो रिवर मैंने आपको ट्रेन के अंदर देखा वो शम्बेजी रिवर था, और ये जम्बेजी रिवर है. ये भी अफ्रीका का समझ लो बहुत बड़ा, जैसे इंडिया के अंदर जैसे गंगा जमुना है या ब्रह्मपुत्र है, ये जो भी बड़े बड़े रिवर्स है ना, ये अफ्रीका का बहुत बड़ा रिवर समझा जाता है. ये देखें जी, ये उसका ब्रिज है. यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, ये यहाँ से साइड से अगर आपको नजर आ सके तो. अच्छा ये बॉर्डर जो है ना वो तीन मुल्कों के दरमियान में है. इस तरफ जिम्बाब्वे चला गया और मैं जैम्बिया से आ रहा हूँ, और ये मैं बोट्सवाना के अंदर जो है ना ये मेरी एंट्री हो रही है अभी यहाँ पे. ये मेरे इस तरफ जो जिम्बाब्वे था वहां से रोड आ रहा था इस तरफ. अगर किसी ने इस तरफ बोट्सवाना की तरफ जाना तो वो इधर आ जाएगा, अगर किसी ने जैम्बिया की तरफ जाना तो वो वहां से सीधा उस तरफ चला जाएगा. ये हम लोग यहाँ से, मेरा चेक पोस्ट तो नहीं है, ये सिक्योरिटी पोस्ट कोई होगी मेरा ख्याल है. लेकिन मुझे लगता है मुझे कैमरा बंद कर देना चाहिए. अच्छा ये जो बोट्सवाना के इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हैं एंट्री के लिए, देखते हैं वहाँ पे क्या बनता है. बस उन्होंने एक मील पीछे रोक दी और पैसेंजर टर्मिनल जो है ना वो ये है. ये हमारी बस इधर आ गई है और यहाँ से जनाब अब वो लेने हैं इमिग्रेशन एंट्री. हाँ जी, मैं ये इमिग्रेशन कोर्ट जो है यहाँ का बोट्सवाना और जाम्बिया का, वहाँ पे मैं बैठा हूँ. और ये बाहर का जो सीन है ये देख लें, ये सिक्योरिटी स्कैनर्स वगैरह लगे हुए हैं. बस मैंने पूछा था यहाँ पे वीडियो जो है ना वो अलाउ नहीं है. उन्होंने कहा कि आप पिक्चर ले सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते. लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ और फिर भी बना रहा हूँ वीडियो. ये जो सारा सिलसिला है छुप के मैं बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी को पता ना लगे ना. ये देखें बस ही जो है ना बार्ब्ड वायर लगी हुई है इसके इर्द गिर्द, बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं यहाँ से. ये देखें मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, ये सामने जो है ये मेरी बस खड़ी हुई है ये वाली. यहाँ पे जी इमिग्रेशन काउंटर से गुजर के आ गए हैं, स्क्रीनिंग भी हो गई है. अब यहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं. ये साउथ अफ्रीकन, आर यू साउथ अफ्रीकन एज़ वेल ब्रदर? आर यू साउथ अफ्रीकन? नो, आई एम ज़ाम्बियन. ज़ाम्बियन, सो ये ज़ाम्बियन फ्रेंड है. आर यू फ्रॉम ज़ाम्बिया एज़ वेल? My son. All right. Nice to meet you guys. Thank you. तो अभी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई है, बड़े फ्रेंडली लोग हैं. I'm speaking my Indian language. Yeah, I'm just giving your intro. Like South African, Zambian, and they graciously allowed me to film them as well. Not many. ज़्यादा जो लोग हैं ना वो इतना पसंद नहीं करते कैमरे के सामने ना, लेकिन Zambian जो है ना बड़े फ्रेंडली लोग हैं और ना कैमरा शाई नहीं है. एंड लुक, ये बाकी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे, और मैं इन साहब से इंफॉर्मेशन ले रहा था कि जी वहाँ पे कोई लॉज एक टाइप का स्टफ, इन बड़े होटल में तो मैंने स्टे करना नहीं है, तो रीज़नेबल सा लॉज मुझे मिल जाए. तो ये कहते हैं कि मैं आपको तो ये गाइड कर दूँगा उतर के ना लॉजेस के लिए. एक चीज़ बड़ी नोट की है यहाँ पे, जब से मैं अफ्रीका में आया यहाँ पे ना मैंने हर छोटे बड़े बच्चों को ना नाक में उंगली मारते देखा, हर किसी को. थोड़ी देर होती है नाक पकड़ के ना नाक साफ कर रहे होते हैं. इसकी मुमकिन तौर पर इतनी हो सकती है यहाँ पे जो हवा जो है ना बड़ी जो ड्राई है, और आपका नाक इतनी जल्दी खुश्क होता है मैं आपको बता नहीं सकता. और हर किसी को ना मतलब है कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ लोग देखे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े औरतें, नाक में उनकी उंगली नाक में होती है. हर 10-15 मिनट के बाद उन्होंने नाक में उंगली जरूर मारनी होती है. उन्होंने प्रवाद दी कि सर खाना भी खा रहे थे तो नाक में भी उंगली मारे होते हैं. मैं मीन होके नहीं कह रहा, यहाँ का जो है ना हवा ही ऐसी है,
ये कॉमन है, यहाँ पे लोग बॉदर भी नहीं करते, सीधा पड़ाक करके नाक में उंगली मारते हैं। लगेज के लिए ना ये डब्बा से बस के साथ ये कैरेज लेके चलते हैं ना, ये देखें ये बस के साथ ना एक डब्बा से उन्होंने बांधा हुआ है कंटेनर टाइप, सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है इन्होंने, ये देखें ये हमारी बस है और बस के साथ ना ये जो डब्बा जोड़ा हुआ है। अभी छोटा बैकपैक मेरे पास है और अभी जो है ना मैं स्क्रीनिंग करवा के बस के अंदर से दोबारा दाखिल हो रहा हूँ ना यहाँ पे। सूरत हाल जो है ना बड़ी बेहंगम सी हो गई है ना, वाइल्डनेस के अंदर इन्होंने कुछ जगह यहाँ पे गाड़ी रोकी है और ये हाथियों की बहुत बड़ी कुछ जो है ना वाइल्ड लाइफ पार्क है। ये देखे जी हाथियों के बड़े बड़े पोर्ट पड़े हुए हैं, ये देखे ये नजर आ रहे हैं आपको, ये हाथियों का गोबर पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ औरतें पेशाब, यहाँ पे झाड़ियों के पीछे पेशाब शुभ करके आई हैं। ये मिडल ऑफ बोट्सवाना के अंदर कहीं पे हैं, ये कोई गाड़ी रुकी है, कुछ मसला मसाला हो रहा है यहाँ पे गाड़ी के अंदर, और ये ऑयल वगैरह चेंज हो रहा है कुछ। ये देखें आप रोड भी खाते हैं यहाँ से, यार मैं ये करीब से आपको एक और चीज दिखा करता हूँ। बाकी ये पता है क्या चीज़ है, ये देखें आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, डॉक्यूमेंट्रीज है ना मैं देखते थे यार ये वाली चीज़ है ना, ये पता क्या है ये वाली चीज़ है, ये देखें ये अफ्रीकन एक कोई एंट होती है, ये देखें किस तरीके का इसने बनाया हुआ है एंट ने, ये बड़ा सॉलिड है, मुझे यार दूर ना जाना, यहाँ पे ना हाथी हैं और बंदे को जो है ना मार देते हैं बहनचोद। ये मेरी बस है यहाँ पे, सामने से साउथ अफ्रीका के अंदर दाखिल हो रहे हैं, यहाँ का जो इमिग्रेशन है ना उससे डील करना पड़ेगा, मेरे पीछे ट्रक आ रहा है और जो लोग निकल के आ रहे हैं सबको उन्होंने तोड़वा दिया है कि जी आप ना इमिग्रेशन से होके जाएं। मुझे तो इमिग्रेशन का काउंटर कहीं पर नजर नहीं आ रहा और कैमरा पता नहीं अलाउ या नहीं अलाउ, लेकिन मैंने तो निकाल लिया, देखी जाएगी जो होना हो जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है इमिग्रेशन का सेटअप। आप गोइंग इन दोस बिल्डिंग्स व्हाट पर आप कभी ओए जस्ट स्टॉप हियर राइट नो इमिग्रेशन आई एम इन साउथ अफ्रीका नाउ So we're not entered yet. Yeah. We're still in Botswana. All right. Thanks a lot. Oh, no worries. Thank you. Are you sorted? Yeah. Yeah. So, this is a small hut. Yes, sir. Sure. Thank you. This is a check post. Basically, here. This is a toilet here. Small hut. और ये कुछ लेडीज़ यहाँ पे स्टफ बेच रही हैं ना अपना, ये ओल्ड स्टफ है, टॉफी हैं, पीनट्स हैं, बिस्किट्स हैं, और ये देखना यहाँ पे छोटा सा मेक शिफ्ट जो है ना,
then I can mix, ne? Yes. Here we go. Hello. The campsite tarah ka stuff hai. बस से करवा के उन्होंने पैदल एंटर करवाया। डिस पाँव पता नहीं क्यों डिसइनफेक्ट करवाते हैं। अच्छा यहाँ पे यहाँ से शायद एक किलोमीटर दूर मैंने ना 15-15, 20-20 हाथियों के जमघट देखे हैं। यहाँ भी अगर मैं गौर से देखूँ ना कोई हाथी नज़र आ जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। बेतहाशा हाथी हैं यार यहाँ पे। यहाँ पे फिर मिडल ऑफ नोवेयर गाड़ी रुक गई है। गाड़ी में फिर कोई मसला मसाइल हो गया मुझे लग रहा यार। आप यकीन नहीं करेंगे वाइल्ड लाइफ जो है ना यहाँ पे इंतहा है। शुतुरमुर्ग, हिरन, हाथी, हर 10 किलोमीटर के बाद जो है ना आपको हाथी या कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ नज़र आएगी यहाँ पे ना। और स्पेशली मुझे ये सामने मुझे नहीं पता अगर आपको ये बी हाइव्स या बी ये जो बी हाइव्स कह रहा हूँ सॉरी ये जो चींटियों के जो नेस्ट नज़र आ रहे हैं यार ये मैंने 20-20 फुट लंबे देखे हैं। यकीन करें पूरे पूरा दरख्त इन्होंने अपने अंदर खाए हुए हैं। अगर आपको दूर नज़र आ रहा हो दरख्त का तना सारे के सारा इसके अंदर लटका हुआ है। ये गाड़ी फिर खराब हो गई यहाँ पे ना। लेकिन अच्छा इन्होंने मुझे वॉर्न किया कि ज़्यादा दूर ना जाना क्योंकि यहाँ पे हाथी जो है ना ज़्यादा दूर नहीं होते। छोटे छोटे मैंने हिरन देखे हैं जगह जगह रास्ते के अंदर कुत्ते की तरह फिरते नजर आते हैं यहाँ पे। ये देखें ये इस तरफ का जो व्यू है ना यहाँ पे देखें। मुझे आगे कुछ हिरन का ना वो झुमघट्टा सा नज़र आ रहा है यहाँ से कोई 200 मीटर के फासले के ऊपर है ना। लेकिन मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता। जाम्बिया ये जाम्बियन भाई मिल गए मुझे और मेरे जाम्बियन सब्सक्राइबर हैं 5वें या 6वें जाम्बियन सब्सक्राइबर हैं। इनसे हमें मुलाकात हुई है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? निक्सन। निक्सन? श्योर। नाइस टू मीट यू ब्रदर। माय नेम इज आसिफ। ओह माय प्लेजर। या प्लेजर। हां जी आई एम साइनिंग इन फ्रॉम समवेयर इन द मिडल ऑफ बोट्सवाना। आई रियली हैव अ बैड न्यूज़ टू टेल यू। यू नो व्हाट हैपेंड? देयर इज अ प्रॉब्लम। हुआ कुछ यूं है कि गाड़ी का कोई पाइप जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा और ये कह रहे हैं कि जी हमें जो नियरेस्ट टाउन है ना अभी गाड़ी मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। बड़ी स्लो गाड़ी चल रही है देखना क्योंकि यहाँ पे लोकल से पाको का कोई टाउन फ्रांसिस टाउन आगे है ये यहाँ पे रोकेंगे और खुद ही इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम लोग खड़े होंगे ना। खैर मेरे पास 1-2 दिन आया है इंशाल्लाह टाइम से पहुँच जाएंगे जोहान्सबर्ग। ये मेरे साथ मूसा भाई बैठे हुए हैं ये जैम्बियन है और बड़े अच्छे लोग हैं यार ये और इनसे मुलाकात हुई इनसे गपशप लगी है। इनको उर्दू की भी थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है इनको ना। कैमरा शाय है यार कैमरा के लोग इतना पसंद नहीं करते लेकिन ना गपशप लगती है ना तो लोग खुल के कैमरे के सामने नहीं गप लगाते कैमरे से हट के ना बड़ी खुल के गप लगाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर और ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यार हमारी ये बस ख़राब हुई है कम अज़ कम 1-1.5 घंटा हो गया हुआ है यहाँ पर। ये शायद मेरे ख्याल में 7वां या 8वां ट्रक है और ट्रक ड्राइवर है जो कि रुका है सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए। ऐसी जो ब्रवाडो या ब्रदरहुड जो है मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। थैंक यू ब्रदर। चीज़ दिस ट्रक ड्राइवर ये जो है ना ये यहाँ पे अब रुका है और ये भी जाके देखेगा कि क्या मसला है क्या नहीं मसला। ये सिर्फ हेल्प के लिए आया है यहाँ पे। देखें यार इनकी जो ब्रदरहुड देखें यार कम अज़ कम 7 या 8 ट्रक यहाँ पे रुके हैं ट्रक ड्राइवर रुके हैं। अभी आके देखेगा अपने एक्सपर्ट अपनी राय देगा और ना इनकी हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा। यार देखें है ना इंसानियत इंसानियत मरी नहीं इंसानियत जिंदा है यार ये है इंसानियत। ये देखें हर बंदा जो है ना अपने आप को डर्टी करने की कोशिश कर रहा है यार क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस टाइम है जी शाम का 7 बजे का। यस आई एम यार और यस आई एम। तो यार ये मैं आपके लिए एक सॉब स्टोरी लेके आया हूँ। ये मेरे भाई हैं इनका नाम है प्रिंस और इन्होंने मुझे बताया है कि जी HIV पॉजिटिव है ना और इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई है कि ये एक पेशेंट के साथ काम कर रहे थे। इनका काम ये UNAID के लिए काम करते हैं और ये जो पेशेंट को ट्रीट करते हुए इन्हें कहीं से वायरस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और अब मतलब कि ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है ना बड़े रैपिडली फैल रहा है ये जो ये प्रॉब्लम है ना ये जैम्बियन है ओरिजिनली ना
लेकिन जो है ना अभी देखें अभी लेडीज को पता लग गया तो ये इसका मजाक उड़ा रही है. Yeah, that's what they do. Yeah, that's. He's a very happy guy. He's a very very. Yeah. No, they pay like definitely they pay. Like, are you working that side? This side. Both side and this side. Which? ये South Africa और Zambia दोनों sides के अंदर work करता है. और ये बड़ा ही हैप्पी लड़का है यार ये. और मतलब कहता है मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ. इसने मुझे खुद बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ ना. It's about 5 minutes, 15 minutes walk. But nowadays I hear like there was, it was.